आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ क्वेश्चन सीज आपको ऑब्जर्व करना है फॉलोइंग ट्रेंड्स को इन द पीरियोडिक टेबल पीरियोडिक प्रॉपर्टीज इन द पीरियोडिक टेबल राइट सो so बेसिकली आपको कहा गया है कि आपके पास एक्स और वाई ऐसी प्रॉपर्टीज है है जो अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज करती एंड पी एंड क्यू आपके पास ऐसी प्रॉपर्टीज है जो आपकी इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये आपकी प्रॉपर्टीज कौन सी है राइट right? सो so, देखो हमारे पास जैसा कि हम ऑप्शन देख रहे हैं हमारे पास पहली प्रॉपर्टी जो है वो क्या है आपके मतलब की जो हमारे पास प्रॉपर्टीज लिस्टेड है वो बेसिकली आपकी क्या है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है एक आपका राइट right? सो so, देखो अगर मैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात करती हूँ so ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन योर न्यूक्लियस एंड योर बैलेंस इलेक्ट्रॉन राइट सो आपको बताइए अगर देखो जितना साइज होगा उस कर लो ये आपका एलिमेंट है राइट right? क्लियर और ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन है सो so, जितना बैलेंस शेल जो होगी वो बेसिकली न्यूक्लियस से दूर होगी उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो कम होगा इस इलेक्ट्रॉन पर इजेंट so, एड सो इज दैट इफेक्टिव डिक्रीज करेगा अगर आपका क्या है अगर आपकी बैलेंस शेल न्यूक्लियस से दूर है राइट right? सुबह so, कब होगा जब आपका साइज बड़ा होगा इजेंटेड सो आप ये कहोगे की अगर मैं अलॉन्ग दीरियड चढ़ रही हूँ सो so, मुझे पता है कि अलोंग द पीरियड मेरा साइज जो होता है वो डिक्रीज करता है इट मीन आपका Z इफेक्टिव क्या है उस केस में आपका इंक्रीजेस राइट right? क्योंकि साइज अगर कम होगा तो उतना ही ज्यादा अट्रैक्शन होगा न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है ये आपका अलॉन्ग द पीरियड इंक्रीज करता है फाइन अब अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ फिर आपके पास है अगर मैं नेक्स्ट पर चलती हूँ दैट इज यूर नॉन मेटालिक करेक्टर राइट सो देखो और देखो एक चीज समझना देखो जो प्रॉपर्टीज अलोंग द पीरियड इंक्रीज कर रही है डाउन द दा ग्रुप आपकी ऑटोमेटिकली क्या करेंगे डिक्रीज करेंगे राइट अब अगर मैं बात करती हूँ आपके नॉन मेटेलिक करेक्टर की मेटेलिक करेक्टर बेसिकली होता है एक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी को राइट सो अगेन देखो उसको समझोगे सपोज कर लो कोई इलेक्ट्रॉन जो है राइट जब वो ज्यादा होगा तो वो इलेक्ट्रॉन स्टेबल हो जाएगा इज वो अगेन किस पर डिपेंड कर रहा हैं जेड इफेक्टिव पर अगर आपका जेड इफेक्टिव जो है वो अगर आपका इंक्रीज कर रहा है सो इट मीन आपका नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज करेगा और अलॉन्ग द पीरियड ियड इफेक्टिव इंक्रीज करता है सो इट मीन अलॉन्ग पीरियड आपका नॉन मेटेलिक करेक्टर भी क्या करेगा इंक्रीजेस राइट अब हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो तो चलते हैं वो आपका क्या है अटोमिक साइज फाइन सो so, देखो अभी ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ द पीरियड अगर आपका अटोमिक साइज जो है वो आपका डिक्रीज करता है राइट आपका अटोमिक साइज जो होता है वो डिक्रीज करता है इज इंड क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जितने ज्यादा न्यूक्लियस अपनी तरफ खींचेगा आपका साइज कॉन्ट्रैक्ट करता है राइट right? सो so, मतलब अगर अलोंग द पीरियड आपका साइज डिक्रीज कर रहा है इट मीन्स अगर मैं अलोंग द ग्रुप की बात करूंगी सो so आपका जो अटोमिक साइज होगा वो बेसिकली आपका क्या करेगा इंक्रीजेज इज इन डेट क्लियर या तो हम क्या करते है? सिर्फ अलोंग द पीरियड की लिस्ट कर लेते हैं ग्रुप के अलोंग तो ऑलरेडी जैसा कि मैंने आपको बोला अपोजिट होगी राइट सो पीरियड की अलोंग आपकी क्या कर रही है डिक्रीज कर रही है फोर्थ हमारे पास क्या मेटेलिक करेक्टर राइट सो देखो

एंड जो डाउन द ग्रुप आपकी इंक्रीज कर रही है वो पी और क्यू प्रॉपर्टीज है सो so देखो ये दोनों प्रॉपर्टीज अगर आपकी अलॉन्ग द पीरियड डिक्रीज कर करे सो so ये याग द ग्रुप आपकी क्या करेंगे इंक्रीज करेंगी सो दैट विल बी अटोमिक साइज एंड मेटालिक करेक्टर ऑप्शन वन ही हमारा बेस्ट सुटेड हो रहा है यहाँ पर राइट right, बट अगर मैं देखो बाकी ऑप्शन की बात करती हूँ देखो मेटलिक करेक्टर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं फाइन अब अगर मैं इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करती हूँ सो so, आपको समझना होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कि कि टेंडेंसी टू तो अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सो अगेन so, ये भी आपका डिपेंड करेगा कितना कि छोटा साइज होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने अट्रैक्ट करेगा राइट right? सो so, ये भी अपना द पीरियड आपका क्या करता है इंक्रीज करता है फाइन अलॉन्ग पीरियड इंक्रीज करता है और अगर यहीं पे मैं वैलेंसी की बात करती हूँ वैलेंसी की अगर मैं ट्रेंड की बात करती हूँ वैलेंसी का ट्रेंड जो होता है वो आपका डेफिनेट नहीं होता वो पहले इंक्रीज करता है फिर आपका डिक्रीज करता है राइट सो वैलेंसी को हम लेकर कुछ नहीं कहेंगे और अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ फिर आपका मतलब तो अगर मैं देखो अगर देखो ओके अगर फैल टॉक अबाउट वैलेंसी तो देखो वैलेंसी का ट्रेंड जो होता है वो अपोज दोनों केसेस में डिफरेंट होता है अगर मैं पीरियड के टू जाऊंगी चाहूंगी सो तो वो इनिशियली तो इंक्रीज करता है फिर कुछ टाइम बाद वो आपका डिक्रीज करने लगता है राइट और ग्रुप के ग्रुप में आपका क्या रहता है वो सेम रहता है ग्रुप के विद इन जो एलिमेंट्स होते हैं उनके लिए सेम होता है फाइन सो अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ तो मेटेलिक कैरेक्टर की अगर मैं बात करती हूँ अगर मैं अलोंग द क्योंकि हमें पहले पीरियड के अलोंग बतानी थी फिर आपके ग्रुप के अलोंग राइट सो मेटेलिक करेक्टर ऑलरेडी हम देख चुके पीरियड के अलोंग डिक्रीज करता है और यहां पर आपके पास क्या है uh, हमें इंक्रीज का बताना है राइट सो ये तो नहीं हो सकता राइट सिमिलरली ऑप्शन थर्ड की बात करते तो एटोमिक साइज भी आपका अलॉन्ग द पीरियड जो होता है